दिन की टॉप न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत ने गलती से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मिसफायर होने वाली घटना को कबूल कर लिया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये इंसिडेंट टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से हुआ था और कहा गया है कि हमें इस बात का बेहद रिग्रेट है, यानी भारत को खेद है। और खुशी की बात है कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इसके साथ ही इंडिया ने कहा था कि हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है और इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान का क्लेम सही था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारत की जो मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के अंदर गिरी है वो ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो सुपरसोनिक स्पीड से पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गई थी। भारत ने भी ये बात कही है कि जो मिसाइल मिसफायर हुई है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया था, जो सुपरसोनिक स्पीड से पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसी थी। वैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि भारत की अनआर्म्ड ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर क्या तबाही मचाई है। सोचिए अगर ये ब्रह्मोस मिसाइल आर्म्ड होती तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पिछले कल ये मांग की थी कि इस इंसिडेंट को लेकर एक इंटरनेशनल लेवल की डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी दूसरे देशों से भारत के अंदर एक्सपर्ट्स आकर इन्वेस्टिगेशन करते कि क्या ये भारत से गलती से मिसफायर हुई थी या भारत पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा था। लेकिन आज कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड थोड़ी चेंज हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की जियो न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान को भारत की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर विश्वास नहीं है और उसको नहीं लगता है कि ये एक्सीडेंट था। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस घटना की जांच पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर करें, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। पाकिस्तान ने मिसाइल्स को लेकर भारत से कुछ सवाल पूछे हैं और कहा है कि कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेक्निकल सेफगार्ड्स होते हैं। भारत ऐसे ही न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में मिसाइल्स का एक्सीडेंटल और अनऑथराइज्ड लॉन्च कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के कहने का मतलब है कि पहले ही दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसे में उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए और ये एक्सीडेंट हो गया। पाकिस्तान ने कहा है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इंडियन अथॉरिटीज एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देकर इससे बचकर नहीं निकल सकती हैं। पाकिस्तान ने इसके साथ कहा कि ये इंसिडेंट दिखाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स के रखरखाव में भारत के अंदर कितने लूपहोल्स हैं और टेक्निकल लैप्सेस हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इंडिया से कुछ सवाल पूछे हैं। पाकिस्तान ने पूछा है कि मिसफायर हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और टाइप और डिटेल्स क्या थी, मिसाइल्स का एक्सीडेंटल मिसफायर ना हो इसके लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, जो मिसाइल मिसफायर हुई थी उसका पाथ और उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की तरफ क्यों आई, क्या मिसाइल के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म लगा हुआ था या फिर नहीं, यानी कि क्या मिसाइल अपने आप को खुद ही नष्ट करने में सक्षम थी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी पूछा है कि भारत ने मिसाइल के मिसफायर होते ही पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया और क्या मिसफायर हुई मिसाइल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी भारतीय सेना ही हैंडल कर रही थी या फिर ये मिसाइल भारत में किसी रोग एलिमेंट्स के हाथ लग गई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने थोड़े बहुत और भी सवाल पूछे हैं जिनका इस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की अथॉरिटीज इसको एक साथ इन्वेस्टिगेट करें। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को पाकिस्तान के इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, हाँ या फिर ना, बस इसको इग्नोर कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।